एंटीजन के साथ जाकर के कंबाइन करती है तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है और इस इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का डिपोजिशन जब डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर होता है तो फिर डिफरेंट टिश्यूज़ का डैमेज होता है सिमिलरली ये ऑटो एंटीबॉडीज़ का जब बाइंडिंग होता है वेरियस सेल्स और टिश्यूज के वेरियस सेल्स या फिर टिश्यूज़ से तो उस डायरेक्ट बाइंडिंग की वजह से डैमेज हो सकता है उस सेल्स या फिर टिश्यूज़ का तो इस तरह से ये सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो डैमेज और डिस्ट्रक्शन uh, कॉज कराती हैं इसके बारे में अगर हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो सिस्टमिक ल्यूपस एक क्रोनिक कंडीशन होता है जिसमें जिसका रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग कोर्स होता है रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग कोर्स होता है इसका मतलब ये कि ये जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इसके अंदर और ये जो कंडीशन होती है वो अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और फिर कुछ समय के बाद फिर नॉर्मल हो जाती है फिर अचानक से वो कंडीशन बिगड़ जाती है फिर ठीक हो जाती है तो ऐसे कर करके इसका रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग कोर्स होता है इस कंडीशन के अंदर कोई भी ऑर्गन affected हो सकते हैं और मोस्ट कॉमन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो women होती हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज की जो womenस होती है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है सो दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ द सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस इसके बाद हम लोग देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस कमिंग टू द पैथोजेनेसिस ऑफ एसएलई पैथोजेनेसिस ऑफ एस के अंदर एक्चुअली में दो फैक्टर्स के प्रेजेंस में एस डेवलप करता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर जेनेटिक सस्पेक्टिबिलिटी या फिर जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों जब एक साथ काम करते हैं तब जाकर के एस का डेवलपमेंट होता है जेनेटिक फैक्टर्स में क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है उसके अंदर कुछ सस्पेक्टिबिलिटी जीन्स होते हैं जो कि ऐसे टी और बी सेल्स को कोड करते हैं जो कि स्पेसिफिक होता है सेल्फ न्यूक्लियर एंटीजेंस मतलब अपने खुद के न्यूक्लियर एंटीजेंस के लिए जो स्पेसिफिक टी और बी सेल्स होते हैं वैसे सेल्स को ये सस्पेक्टेबिलिटी जीन्स कोड करते हैं मतलब कह सकते हैं कि ये ऐसे बी और टी सेल्स होते हैं जिनके अंदर फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर वेरियस एन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक यू वी रेडिएशन जो कि मोस्ट कॉमन एन्वायरमेंटल फैक्टर होता है ड्रग्स जैसे कि हाइड्रोल प्रोकेनामाइड डी पेनिसेमाइन ये सब ड्रग्स हो गए सेक्स हॉर्मोन्स हो गया मतलब मेनली एक्स क्रोमोजोम ये सारे के सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे बॉडीज के अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होता है उनका एपोप्टोसिस कराते हैं अब नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर तो ये एपोप्टोसिस होता है और नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर भी एपोप्टोसिस तो होता है बट एपोप्टोटिक बॉडीज का जो फॉर्मेशन होता है उसका क्लियरेंस बहुत ईजिली हो जाता है बट इन इंडिविजुअल्स के अंदर इन एपोप्टोटिक बॉडीज का क्लियरेंस उतना अच्छे से नहीं हो पाता है मतलब डिफेक्टिव क्लियरेंस ऑफ द एपोप्टोटिक बॉडीज होता है जिस वजह से जो उनके अंदर जो न्यूक्लियर एंटीजन्स प्रेजेंट हैं इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ के अंदर वो उनको ये बी और टी सेल्स जिनके अंदर सेल्फ टॉलरेंस का फेलियर हो चुका है वो इन न्यूक्लियर एंटीजेंस से को रिकोगनाइज़ करती हैं और फाइनली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं तो अल्टीमेटली इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में एंटीजन क्या है ये न्यूक्लियर एंटीजेंस और एंटीबॉडी क्या है तो ये बी सेल्स और टी सेल्स जो कि जिनके अंदर सेल्फ टॉलरेंस का फेलियर हो चुका है ये एंटीबॉडीज बनाती हैं दैट इज़ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ बनाती हैं मतलब इन न्यूक्लियर एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती हैं ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो फाइनली क्या करता है कि ये एंटीजन एंटी कॉम्प्लेक्स फाइनली और बी सेल्स और डेंडाइटिक सेल्स जो कि सेंटिनल सेल्स होते हैं उनके अंदर इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का एंडोसाइटोसिस हो जाता है और साथ ही साथ ये जो टिनल सेल्स हैं बी सेल्स और डेंडेटिक सेल्स हैं इनके अंदर जो इनके ऊपर जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स दैट इज टीएलआर प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियर एंटीजेंस जो होता है वो उनके साथ ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स का इंगेजमेंट हो जाता है दैट इज ये टॉल रिसेप्टर्स -like जो होता है वो उस सेल्स के अंदर उन एंटीजन्स के साथ वो अंदर की तरफ आ जाते हैं मतलब उनका इंगल्फमेंट या फिर इंगेजमेंट हो जाता है अब ये जो अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स गया बी सेल और डेंडाइटिक सेल के अंदर और टॉल लाइक रिसेप्टर का जो इंगेजमेंट हो गया इसकी वजह से क्या होता है कि फाइनली स्टमेशन हो जाता है टी और बी सेल्स का अब ये जो टी और बी सेल्स का स्टमुलेशन होता है जिस वजह से जो नॉर्मल टी और बी सेल्स भी थी उन्होंने भी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना इंक्रीज कर दिया तो जो डिफेक्टिव टी और बी सेल्स थी वो तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रही थी जिस वजह से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा था बट उस एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का एंडोसाइटोसिस होने लग गया जो हमारी नॉर्मल बी सेल्स या फिर डेंडाइटिक सेल्स होती हैं और उनके एंडोसाइटोसिस की वजह से और साथ ही साथ टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं बी सेल्स और सेल्स के अंदर जिस वजह से जो नॉर्मल टी और बी सेल्स होती है, उनका भी होने लगता है। और फाइनली एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो जाता है और ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो मेनली प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट नॉर्मल डी एन एस्टो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बाउंड टू आर एन एंड न्यूक्लियर एंटीजन के अगेंस्ट ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है अब अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रहा है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का इतना ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है तो इस वजह से हम लोग देखेंगे कि कैसे टिश्यू इंजरी होता है तो अब हम लोग देखेंगे कि इसकी वजह से मैकेनिज्म ऑफ टिश्यू इंजरी कैसे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कैसे ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या फिर जो ऑटो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो कैसे टिश्यू इंजरी करती हैं तो टिश्यू इंजरी का मैकेनिज्म मेनली तीन तरीके से होता है एस के कंडीशन में सबसे पहले होता है टाइप थ्री हाइपर रिएक्शन हम लोग को पता है टाइप थ्री हाइपरसेंसिटरी रिएक्शन एक इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से होता है ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है वो वेरियस टिश्यूज़ के अंदर जाकर के डिपोजिट हो जाता है जैसे कि किडनी के अंदर ग्लोमेलाई के अंदर डिपोजिट हो जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर डिपोजिट हो जाएगा जिस वजह से ग्लोमेरलाई या फिर किडनी और ब्लड वेसल्स का इंजरी हो जाएगा सेकंड मैकेनिज्म होता है टाइप टू हाइपरसेंसटरी रिएक्शन जिसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो अगेंस्ट आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स फोस्फोलिपिड इसके अगेंस्ट ये ऑटो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है जिस वजह से इनका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है अब आर बी और प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन होता है जिस वजह से पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलता है फॉस्फोलिपिड का डिस्ट्रक्शन होता है जिस वजह से एंटी फॉसोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम देखने को मिलता है तीसरा मैकेनिज्म जो टिश्यू इंजरी का होता है वो ये होता है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनी है ये ऑटो एंटीबॉडीज़ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है जिस वजह से हमारे ब्रेन के अंदर Manifestations देखने को को मिलते हैं। तो ये था पूरा mechanism of SLE की कैसे SLE different, uh, tissues को involve करता है और कैसे ऑटो एंटीबॉडीज और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स टिश्यू इंजरी करवाती है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी इन एस कमिंग टू द मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी देखेंगे माइक्रोस्कोपी में हम लोगों को एल ई सेल्स एंड एल ई बॉडीज देखने को मिलता है अब ये एल ई सेल्स और एल ई बॉडीज क्या होते हैं ये जो न्यूक्लियाई ऑफ द डैमेज सेल्स होते हैं जिसके जो कि एक्चुअली में न्यूक्लियर एंटीजनस होते हैं और ये जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज होती हैं ये दोनों मिलकर के एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है इसी को हम लोग एल ई बॉडी या फिर हिमाटोक्सिलिन बॉडी कहते हैं अब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जिसको अब हमने एल ई बॉडी कह दिया ये अब डिफरेंट न्यूट्रोफिल्स या फिर मैक्रोफेजेस जो होती हैं वो इन एल ई बॉडीज को इंगल्फ करने का काम करती हैं और ये जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जो कि इंगल्फ करेंगी एल ई बॉडीज को इन्हीं को हम लोग एल ई सेल्स कहते हैं सो दिस इज अ न्यूट्रोफिल और अ मैक्रोफेज दैट इज इंगल्फिंग एल ई बॉडीज एंड हैंस दीज न्यूट्रोफिल्स इन मैक्रोफेजेस आर नाउ नोन एज एल ई सेल्स तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपी में हम लोगों को एल ई सेल्स एंड एल ई बॉडीज देखने को मिलती हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रॉसली ग्रॉसली हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ लीज देखने को मिल सकते हैं विच आर रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन लीजन सबसे पहले हम लोग को ब्लड वेसल्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से एक्यूट नेक्रोटाइजिंग वेस्कोलाइटिस देखने को मिल सकता है ऑफ कैपिलरीज आर्टेरियल्स एंड स्मॉल आर्टरीज किडनीज इफेक्ट हो सकती हैं किडनीज इफेक्ट होंगी तो उसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से ग्लोमेलो नेफ्राइटिस और ट्यूबलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है किडनी के अंदर जो लीजन्स देखने को मिलते हैं उसको मेनली हम लोग सिक्स क्लासेस में डिवाइड करते हैं क्लास वन को हम लोग कहते हैं मिनिमल मिसेंजियल ल्यूपस नेफ्राइटिस कहते हैं जिसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन मिसेंजियम में होता है जैसे कि हम लोग नेम जैसा सजेस्ट कर रहा है मिनिमम मिसेंजियल ल्यूपस नेफ्राइटिस क्लास टू लीजन्स के अंदर को हम लोग कहते हैं मिसेंजियल ल्यूपस नेफ्राइटिस जिसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन मिसेंजियम में तो होता ही है साथ ही साथ मिसेंजल सेल्स और मिसेंजियल मैट्रिक्स का प्रोलीफ्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है जैसा कि नाम हम लोग को सजेस्ट कर रहा है मिसेंजियल ल्यूपस नेफ्राइटिस नेक्स्ट जो हम लोग क्लास थ्री देखते हैं क्लास थ्री के अंदर फोकल नेफ्राइटिस होता है फोकल वर्ड से हम लोग को समझ में आ रहा है कि लेस देन 50 परसेंट ऑफ द ग्लोमेरुलाई जितनी भी ग्लोमेरुलाई है उसमें से 50 परसेंट से भी कम ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व होती हैं हो सकता है कि पूरा का पूरा ग्लोमेरलाई इन्वॉल्व हो या फिर सेगमेंट ऑफ द ग्लोमरलाई इन्वॉल्व हो लेकिन नंबर में लेस देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व होता है साथ ही साथ प्रोलीफरेशन ऑफ़ द एंडोथीलियल सेल मिस सेल और एपिथीलियल सेल देखने को मिलता है और इसके साथ साथ क्रिसेंट फॉर्मेशन देखने को मिलता है इस क्लास थ्री टाइप ऑफ लीजन के अंदर जिसको हम लोग फोकल ल्यूपस नेफ्राइटिस कहते हैं क्लास फोर लीजन जो होता है जिसको हम लोग डिफ्यूज ल्यूपस नेफ्राइटिस कहते हैं ये मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सीवियर लीजन होता है जिसके अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि फोकल की जगह यहाँ पे डिफ्यूज आ जाता है मतलब मोर देन 50% परसेंट ऑफ द ग्लोमेरलाई टोटल ग्लोमेरलाई इन्वॉल्व होते हैं मतलब जितने भी नंबर ऑफ ग्लोमेरलाई प्रेजेंट है उसमें 50% से ज्यादा ग्लोमेरलाई इस लीजन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं बाकी सेम प्रोलिफ्रेशन ऑफ द एंडोथीलिय सेल मिस सेल और एपीथीलियल सेल देखने को मिलेगा और क्रीसेंट फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा इसके बाद क्लास फाइव और क्लास सिक्स टाइप ऑफ लीजेंस होते हैं क्लास फाइव टाइप ऑफ लीजन को हम लोग मेम्ब्रेनस ल्यूपस नेफ्राइटिस कहते हैं और क्लास सिक्स टाइप ऑफ लीजन को हम लोग एडवांस्डो स्क्लोरोजिंग नेफ्राइटिस कहते हैं तो ये था सेकेंड ऑर्गन जो कि इन्वॉल्व होता है जिनके अंदर लीजन्स देखने को मिलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से जिस जिसमें हमने किडनी को देखा थर्ड ऑर्गन जो हम लोग देखेंगे उसको हम लोग कहते हैं स्किन स्किन में एक्चुअली में बटरफ्लाई रैश देखने को मिलता है एक रैश होता है जो कि बटरफ्लाई शेप का होता है और साथ ही साथ अर्टिकेरिया बुल्ला फॉर्मेशन मैकुलोपैपुलर रैश और अल्सरेशन देखने को मिलते हैं ज्वाइंट्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से नॉन इरोजिव साइनोवाइटिस हो सकता है पेरिकार्डाइटिस एंड प्लूराइटिस देखने को मिल सकता है एक्चुअली में एंटीजन एंटीबॉडी या फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपोजिशन की वजह से सीरोसल लाइनिंग का इन्फ्लेमेशन हो जाता है सीरोसल लाइनिंग का इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो मीजोथीलियम होती है जो कि एक्चुअली में सीरोसा को जो कि एक्चुअली में प्लूरल फ्लूड या फिर पेरिकार्डियल फ्लूड को सिक्रीट कर रही होती है ये मिजोथीलियम कवर्ड हो जाती है विद द फाइब्रिनस एक्सोरेट जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लूरल स्पेस होता है या फिर पेरिकार्डियल स्पेस होता है मतलब सीरोसल कैविटी जो होती है उसका टोटल या फिर पार्शियल ऑब्लिटरेशन हो जाता है इसके बाद जो ऑर्गन इफेक्ट होता है जिसको हम लोग जिस सिस्टम इफेक्ट होता है जिसमें सीवियस आ जाता है जिसके अंदर वस्कुलर एंडोकार्डाइटिस हो सकता है पेशेंट को या फिर एथेरोस्लोरोसिस जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंजाइना और एम हो सकता है स्प्लीन इफेक्ट हो सकता है स्प्लीन इफेक्ट होने की वजह से स्प्लीनों स्प्लीन के जो कैप्स्यूल्स होते हैं उसका थिकनिंग हो सकता है स्प्लीन, स्प्लीन के फॉलिकल्स का हाइपर हो सकता है एंड ड्यू टू देरी आर्टेरियोलर फाइब्रोसिस अन्यन स्किन लीजेंस देखने को मिल सकते हैं स्प्लीन के अंदर सो so, ये हमने देखा कि कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं तो ये हमने कंप्लीट किया मॉर्फोलॉजी ऑफ द एस इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एस नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एस हमने देखा कि एस जो होता है वो एक क्रोनिक कंडीशन होता है जिसके अंदर रिलैक्सिंग रिमिटिंग कोर्स देखने को मिलता है रिल्पसिंग रिमेटिंग कोर्स जो होता है जिसके अंदर सिम्टम्स जो होता है वो एट टाइम्स वर्स हो जाता है और एट टाइम्स इंप्रूवड कंडीशंस हो जाती हैं तो इस कोर्स को हम लोग रिलैपसिंग रिमेटिंग कोर्स कहते हैं ये एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपोजिशन की वजह से मेनली देखने को मिलता है इसके अंदर मेनली जो क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं सबसे पहले हिमाटोलॉजिकल फीचर्स अगर हम लोग देखें तो क्योंकि इसके अंदर आरबीसी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स और फॉस्फोलिपिड इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है जिस वजह से हम लोगों को एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट ऑफ द पेशेंट्स के अंदर सेकेंड क्लिनिकल फीचर जो हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें हम लोग को अर्थराइटिस अर्थराल्जिया माइलजिया देखने को मिलता है इन अप्रोक्सीमेटली एटी टू नाइनटी परसेंट ऑफ द पेशेंट्स स्किन जब इफेक्टेड होता है तो हम लोगों को बटरफ्लाई रैश इन द स्किन और फोटो सेंसिटिविटी देखने को मिलता है इन अप्रोक्सीमेटली 85% एटी फाइव परसेंट ऑफ द पेशेंट्स फीवर फैटिग और वेट लॉस लॉस एज अ कॉमन सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलता है रीनल सिस्टम जब इन्वॉल्व होता है तब हिमेट रीनल सेल कास्ट देखने को मिलता है यूरिन के अंदर और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है पेरिकार्डाइटिस कार्डाटिस एंड प्लूराइटिस देखने को मिलता है न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसिस देखने को मिल सकते हैं इन अप्रप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पेशेंट्स जिसके अंदर साइकोसिस और कन्वर्जेंस देखने को मिलता है कार्डियो सिस्टम जब इफेक्ट होता है तो वेस्कुलर एंडोकार्डाइटिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखने को मिल सकता है रेनॉट्स फिनोमिना देखने को मिलता है और ओक्यूलर इन्वॉल्वमेंट भी होता है एस के अंदर सो दीज आर द क्लीनिकल फीचर्स रिलेटेड टू द एस एल ई आफ्टर डिस्कसिंग क्लीनिकल फीचर्स वी विल कमिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ एस एल ई सो टू डायग्नोस अ कंडीशन ऑफ एस एल ई हम लोगों को दो क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेना होता है सबसे पहला क्लिनिकल क्राइटेरिया और दूसरा इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया क्लिनिकल क्राइटेरिया और इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया में से अगर दोनों को मिला करके हम लोगों को टोटल चार चीजें देखने को मिल रही हैं जिसमें से मिनिमम एक क्लिनिकल क्राइटेरिया में से होना चाहिए और मिनिमम एक इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया में होना चाहिए तो फिर हम लोग कहते हैं कि एस एल ई का डायग्नोसिस प्रॉपर है क्लिनिकल क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या होता है सबसे पहले पेशेंट के अंदर हिमोलिटिक एनीमिया ल्यूकोपीनिया थ्रोम्बोसाइटोपीनिया ज्वाइंट डिजीजेस एक्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस जिसके अंदर मैलार रैश और फोटोसेंसिटिविटी क्रोनिक क्यूटेनियस ल्यूपस जिसके अंदर डिस्कॉइड रैश सीरोसाइटिस जिसके अंदर पेरिकार्डाइटिस एंड प्लोराइटिस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रीनल डिसऑर्डर नॉन स्कारिंग एलोपेशिया ओरल और नेजल अल्स इनमें से अगर जो क्लिनिकल क्राइटेरिया है वो यहां पे फिट होता है साथ ही साथ इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरियाज में से एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडीज एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज एंटी फॉस्फोलिपेड एंटीबॉडीज लो कॉम्प्लीमेंट या फिर डायरेक्ट कूम्स टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है इनमें से अगर इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया यहाँ पे फिट होता है और क्लिनिकल और इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया जितने फिट हो रहे हैं उनका सम अगर फोर आता है तो फिर हम लोग कहते हैं कि वो कंडीशन जो है वो एस के लिए डायग्नोस हो जाती है बट एटलीस्ट एक क्लिनिकल और एटलीस्ट एक इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया उस कंडीशन के अंदर होना चाहिए तो ये था डायग्नोसिस ऑफ एस एल ई दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर मोर सच वीडियोज If you want notes for the following videos, you can message me on my Instagram handle. Link is given in the description below. Thank you.